तो अभी मैं जा रहा हूँ जाकू टेम्पल के लिए। रोप वे जो यहाँ से रिज है, यहाँ से रास्ता जाता है, रोप वे लूँगा वहाँ से। मेरे ख्याल से 295 रुपये की टिकट है वहाँ से, तो वहाँ से चलेंगे जाकू टेम्पल। क्योंकि भाई मेरा बहुत मन था वहाँ पे जाने के लिए, और कुछ होता मिस कर देता मैं, पर वहाँ जाने का मेरे बहुत मन था और बार बार नहीं आया जाता, तो पता नहीं कब आ जाए कब नहीं। तो एक बार वहाँ पे जो जाऊँ, और पैदल मैं जा नहीं सकता वहाँ पे क्योंकि सामान ज़्यादा मेरे पास, आगे और बैग दोनों आप देख सकते हो, तो ऊपर की चढ़ाई होगी नहीं, तो इसलिए रोप वे चूज़ किया मैंने। तो एक बार वहाँ पे पहुँच जाते हैं, रास्ते में दिखाता हूँ आपको, और वहाँ पे क्या प्राइस वगैरह है वो भी दिखाता हूँ। तो यहाँ से जाकू रोप वे स्टार्ट होता है, प्राइसिंग वगैरह आपको दिखाता हूँ एक बार। ये काउंटर, यहाँ से टिकट वगैरह मिलेगी। चलो रुपए से चलते हैं। 200 हाँ, एक साइड का। तो हम जा रहे हैं रुपए से, टिकट हमने ले ली 295 रुपए की, सिंगल वे की टिकट लिया मैंने। तो आते टाइम वहाँ से ट्रैकिंग करते आएंगे, अगर रास्ता ठीक नहीं होगा तो वही सिंगल वे की वहाँ से भी ले लेंगे, पर फिलहाल वही है। तो ये अमिताभ बच्चन जी की स्टैचू वहाँ है, यहाँ पर उसके साथ एक फोटो कर लेते हैं, फिर चलेंगे ऊपर। रास्ते में तो जाइए, सबसे पहले हमारी गाड़ी है। नहीं, सुबह से 8 बजे चालू है। अच्छा, कल तक आ जाएगी। हां, मुझे पीछे देखो, thank you.
तो छोटा सा पार्क है यहाँ पे। ये देवदार के पेड़ काफी ऊंचे ऊंचे हैं और ये है हमारा जाकू मंदिर। ये है हनुमान जी का जाकू मंदिर जो कि टॉप पे है, पहाड़ी की टॉप पे बनाया हुआ है। अंदर के दर्शन मैंने आपको करवा दिए, बाहर से कुछ इस तरीके का है। तो ऐसा बताते हैं कि जो नीचे जो संकट मोचन मंदिर है हनुमान जी का, हनुमान जी ने वहाँ से लेके और यहाँ तक एक कदम रखा था, तो उसके बाद यहाँ पे जो मंदिर की स्थापना हुई थी और वो सामने हनुमान जी की मूर्ति बनी हुई है, 108 फीट लंबी बताते हैं उसको। तो एक बार वहाँ पे भी चलते हैं। काफ़ी अच्छी जगह है यहाँ पे जाकू मंदिर। थोड़ी देर यहाँ पे शांति से बैठ सकते हैं आप। देवदार के पेड़ काफ़ी ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ हैं, यहाँ पे शांति से थोड़ी देर बैठिए, काफ़ी सुकून मिलता है भाई ऐसी जगह आती है ना, पीसफुल जगह थोड़ा। आज तो वैसे थोड़ा रश ज़्यादा यहाँ पे न्यू ईयर की वजह से, पर काफ़ी शांत है फिर भी। यहाँ पे साइड में एक पार्क भी आके थोड़ा, तो वहीं बैठ सकते हो, नहीं तो यहाँ भी बैठने की जगह है छोटी छोटी, तो यहाँ भी आप बैठ सकते हो। काफ़ी अच्छी जगह है, अगर शिमला आते हो तो ये दो ही जगह देखने की यहाँ पे, एक तो जाकू मंदिर, यहाँ ज़रूर आना भाई, ये बहुत अच्छी जगह है, शांति की जगह है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि नीचे संकट मोचन से हनुमान जी ने एक कदम में यहाँ पे पैर रखा था, तो इसलिए भी ये जगह थोड़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो और कुछ तो ज़्यादा है नहीं दिखाने का यहाँ पे, यही है। तो अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दियो, वीडियो ना लाइक कर दियो।